जय हिंद फ्रेंड्स, डेली अपडेट की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। तो फ्रेंड आज हम जानकारी देने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रिलीज की गई सीनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये देख सकते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की है। गेल भवन ये एड्रेस दिया हुआ है, 16 है दिया हुआ है, बीकाजी कॉमा प्लेस दिया है, आर के पुरम न्यू दिल्ली दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है ये, और कॉर्पोरेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई इसकी आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए फ्रेंड करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इन एग्जीक्यूटिव ग्रेड। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ये देख सकते हैं गेल इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट एज पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट इन टेबल वन बिलो द वर्क सेंटर यूनिट्स लोकेटेड इन वेरियस स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है फ्रेंड, इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है। फर्स्ट नंबर देखिए ये पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड चीफ मैनेजर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया ग्रेड 5 है। और देखिए अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है। और इस प्रकार टोटल जो चीफ मैनेजर के लिए है 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है 15 पोस्ट दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए दिया हुआ है 13 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है, टोटल 53 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है 228 पोस्ट है। तो इस प्रकार आप जिस भी ट्रेड से आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट पोस्ट देखिए सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दिया हुआ है, इसमें टोटल 14 पोस्ट दिया हुआ है। सीनियर इंजीनियर ये दिया है गेल टेल दिया हुआ है, टीएम के लिए दिया हुआ 3 पोस्ट है। सीनियर इंजीनियर्स जो मेटलर्जी से हैं उनके लिए भी 5 पोस्ट दिया हुआ है। सीनियर ऑफिसर के लिए दिया है, फायर एंड सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, फायर और सेफ्टी सीनियर ऑफिसर के लिए 25 पोस्ट दिया है। सीनियर ऑफिसर सी एंड पी के लिए दिया हुआ है 32 पोस्ट दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है फ्रेंड, ये ग्रेड दिया हुआ ई ग्रेड 2 दिया हुआ है, इंजीनियरिंग ग्रेड 2 दिया है। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए दिया हुआ है तो ये दिया 23 पोस्ट दिया हुआ है। और सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए दिया हुआ है ई ग्रेड 2 दिया है, 23 पोस्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड और देखिए 13 नंबर की जो पोस्ट है सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल 24 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। और देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट दिया हुआ ऑफिसर के लिए सिक्योरिटी के लिए यानी आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए दिया हुआ टोटल 14 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो पोस्ट दिया हुआ 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की वेरियस पोस्ट है। और देखिए टोटल इस प्रकार जो वैकेंसी रिलीज की गई है इसमें अनरिजर्व के लिए दिया हुआ अलग अलग कैटेगरी के टोटल जो वैकेंसी है 277 पोस्ट के लिए है, 277 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखिए फ्रेंड आउट ऑफ द अबव 277 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज डिटेल आप 12 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी आर गिवन बिलो। तो इसमें देखिए फ्रेंड टोटल जो 277 पोस्ट में से 12 पोस्ट जो दिया है 12 वैकेंसीज है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया, जैसे सीनियर इंजीनियर में 1 पोस्ट दिया हुआ, सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए दिया हुआ है। और देखिए यहाँ सीनियर इंजीनियर के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी 1 पोस्ट दिया है, कैटेगरी सी के जो दिए हैं। और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 1 पोस्ट दिया हुआ है,
इस प्रकार टोटल जो 12 पोस्ट है ये डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप जो दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, जैसे कि बी है तो ब्लाइंड जो है कैंडिडेट उनके लिए है, एलडब्ल्यू है यानी कि लो विजन है जिनको थोड़ा से देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए, डी में डीफ के लिए है, एच हियरिंग प्रॉब्लम वाले कैंडिडेट, वन ए की मतलब है वन हार्न वर्न वन आर्म जिनके पास वन हैंड है उनके लिए दिया हुआ, ओएल के लिए वन लेग है, बीए के लिए बोथ आर्म, बीएल के लिए बोथ लेग ये दिया हुआ है, एब्रिविएशन दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे अब देख लेते हैं इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए, जैसे पोस्ट चीफ मैनेजर रिन्यूएबल के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ई ग्रेड फाइव दिया हुआ है, और पे इसमें पे स्केल जो दिया हुआ है यानी सैलरी आपको कितना प्रोवाइड की जाएगी, इसमें देखिए फ्रेंड स्टार्टिंग सैलरी 19,000 दिया हुआ है और इस प्रकार 19,000 टू 2,40,000 रुपए तक सैलरी है। अपर एज लिमिट जो है इसमें मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर है। तो इसमें चीफ मैनेजर के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल विद मिनिमम 65% मार्क्स। तो इसमें चीफ मैनेजर के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग में आपके बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बीटेक आपका है इस ट्रायड से है, इलेक्ट्रिकल से है, या जो इसमें दिया है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और देखिए इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी लिया जा रहा है, इसमें मिनिमम 12 ये दिया हुआ है, मिनिमम 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिव एक्सपीरियंस इज एज गेट ईटी एमटी इन द फील्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एनर्जी इन द एरिया विंड सोलर हाइड्रोजन इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कंपनी ऑफ रिप्यूट एट एम्प्लॉयज डेट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड इसमें आपको कह रहे हैं कि कम से कम आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये दिया हुआ एज ये पोस्ट क्वालिफिकेशन का एग्जीक्यूटिव के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और देखिए इसमें दिया हुआ नेक्स्ट जो पोस्ट दिया हुआ टोटल 14 पोस्ट दिया हुआ है, तो इसमें सीनियर इंजीनियर के लिए देखिए दिया हुआ है सीनियर इंजीनियर जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं सैलरी भी दिया हुआ है 16,000 से 1,80,000 तक की सैलरी है, अपर एज लिमिट 28 ईयर दिया हुआ है, इसमें बैचलर डिग्री इसमें भी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, कंट्रोल के लिए तो कम से कम आपके पास 65% के साथ होना चाहिए, और इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो जिस पोस्ट के लिए आप हैं उस सेक्टर से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इसमें दिया पोस्ट सीनियर इंजीनियर के लिए केमिकल से, देखिए इसमें भी सैलरी आपको 60,000 टू 180,000 तक की है, अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है 28 ईयर दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे केमिकल से है इसलिए आपका ग्रेजुएशन केमिकल से होना जरूरी है। तो आपके पास जैसे कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग केमिकल पेट्रो ये पेट्रोकेमिकल होना चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी से पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी के से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी से या पॉलीमर साइंस केमिकल टेक्नोलॉजी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और इसमें भी 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए जिस फील्ड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए सीनियर मैकेनिकल से तो इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल से या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल से होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से होना चाहिए या मैकेनिकल से होना चाहिए, ऑटोमोबाइल से, और इसमें सभी के लिए मिनिमम परसेंटेज आपका 65% होना चाहिए, 1 ईयर इसमें भी एक्सपीरियंस ले रहा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंक्लूडिंग जैसे दिया गेट ईटी एमटी होना चाहिए, प्रोजेक्ट कमीशनिंग होना चाहिए, मेंटेनेंस से प्रोटोकेमिकल से होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड और देखिए इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें अगर आपको जानकारी दिया जाए ओवरऑल तो फ्रेंड ये इसमें देख सकते हैं हर पोस्ट के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए यानी जैसे कि बीटेक होना चाहिए और रिलेटेड फील्ड से, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो सीनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए,
और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए तो उसके लिए, और साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो जिसमें आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें चीफ जो फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट है फ्रेंड, उसमें आपको यहाँ पे दिया जा रहा है मिनिमम 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस। तो इसमें जो दिया है चीफ मैनेजर के लिए, इसमें आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है, और सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। पोस्ट सीनियर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल से आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिए सीनियर इंजीनियर ये दिया गेल टेल TCMTM के लिए, इसमें भी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से टेली कम्युनिकेशन से होना चाहिए ये दिया है। और सभी के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए 65% होना चाहिए। मेटलर्जी से है तो इसमें भी आपके पास मेटलर्जी से इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए ये दिया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस सभी के लिए दिया जा रहा है फ्रेंड। और इसमें भी सभी के लिए ऐसे जो आपको सैलरी होनी चाहिए 60,000 से लेकर 1,80,000 तक की सैलरी है। और सभी पोस्ट के लिए आपको देख सकते हैं फ्रेंड 28 साल दिया हुआ है मैक्सिमम एज। तो ये है फ्रेंड सभी पोस्ट के लिए, और सभी के लिए आपके देख सकते हैं इसमें केवल एक ही पोस्ट चीफ मैनेजर के लिए ही सैलरी ज़्यादा है, और उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। बाकी सभी के लिए अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर है और सैलरी 60,000 स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये है फ्रेंड सभी के लिए। और देखिए फ्रेंड अब आपको बताते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कहाँ से आप करेंगे उसकी भी जानकारी देंगे, और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से लिंक मिलेगी, और कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप उस सेक्शन को अपने पीडीएफ में देख सकें। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ, ये देखिए फ्रेंड टर्म एंड कंडीशन रिस्पेक्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड इसेंशियल एक्सपीरियंस के लिए दिया हुआ टर्म एंड कंडीशन, यानी रूल और नियम क्या दिया हुआ है उसके लिए। देखिए नियम और शर्तें दिया है एज ए मेंशन अंडर रिलेवेंट कॉलम टेबल 2 दिया है। मिनिमम एजुकेशन इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड शैल बी एज इंडिकेटेड टेबल 2 अगेंस्ट ये दिया हुआ है। और देखिए ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसीडर, तो इसमें जिसके पास भी फुल टाइम कोर्स है उन्हीं से के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं के बारे में विचार किया जाएगा। और देखिए ऑल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन डीम्ड यूनिवर्सिटी आर AICTE अप्रूव्ड कोर्स फ्रॉम ऑटोनॉमस इंडियन इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड सिचुएटरी स्टेचुअरी काउंसिल वेयर यूर एप्लीकेबल। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन इफ एप्लीकेबल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाई रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से होना चाहिए, तो आपके पास ये होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड मिनिमम परसेंटेज ऑलरेडी आपको बताया गया है 65% होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE BTEC BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और दिया हुआ कैंडिडेट हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस, ओ सॉरी 5 ईयर है जैसे कि BE बैचलर डिग्री या BTEC होना चाहिए, साथ ही साथ ये दिया हुआ है मास्टर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या MTEC है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल बी आल्सो कंसीडर। तो जिनके पास बैचलर डिग्री और MSc है वो भी इंटीग्रल डिग्री है तो वो भी इंटीग्रेटेड डिग्री वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड और क्या है इसके आगे की जानकारी देख लीजिए। और देखिए आपके जो इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके कंप्लीट होना चाहिए 2 फरवरी 2023 तक, इसका आपको लास्ट डेट दिया हुआ है। और देखिए इसमें दिया रिलैक्सेशन मिनिमम एज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट SC ST एंड PWD कैंडिडेट हैज बीन प्रोवाइडेड एज पर फॉलोइंग। तो इसमें देखिए फ्रेंड दिया हुआ केवल SC ST और PWD कैंडिडेट को ही परसेंटेज में केवल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बस वो भी यहाँ पे देख सकते हैं सभी के लिए 65% दिया हुआ है और यहाँ SC ST PWD को 60% मार्क्स होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड इसमें अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC ST को 5 ईयर, OBC को लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन, PWD को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फी की जानकारी देते हैं फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम अपर एज लिमिट शैल नॉट एग्जीड 56
ईयर इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल आर रिलैक्सेबल। तो इसमें दिया हुआ है कि यानी कि आपके 56 ईयर होनी चाहिए सभी जो रिलैक्सेशन को साथ है उसके लिए। तो देखिए और देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें यहाँ पे देखिए सैलरी जो दिया जा रहा है सभी के लिए दिया है। ये देखिए स्टार्टिंग सैलरी फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है जो ये ग्रेड E5 के लिए 19,000 से लेकर 2,40,000 तक की है। और देखिए ये हो गया फ्रेंड। अब देखिए कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए जानकारी दे देते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे दिए पे एंड अलाउंस दिया हुआ है, जानकारी वेरिएबल पे के लिए दिया हुआ है और किस कैटेगरी से कितना एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। एप्लीकेशन फी की जानकारी दें तो यहाँ पे देखिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 200 रुपये। यानी कि अनरिजर्व EWS OBC से 200 रुपये एप्लीकेशन फी ली जा रही है। और देखिए एप्लीकेशन कन्वेंसिंग फी टैक्सेज, हाउ यूवर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी एप्लीकेशन फी। तो इसमें SC ST PWD से कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं ली जा रही है। तो अब देखिए फ्रेंड कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ देखिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द गेल वेबसाइट। तो आपको गेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है gailonline.com, यहाँ पे विजिट कीजिए। और आप 4 जनवरी 2023 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट दिया हुआ है 2 फरवरी 2023 दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ स्टेप दिया हुआ है, आपको स्टेप को फॉलो करते हुए फॉर्म अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है स्टेप नंबर 1 दिया, रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंट यू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी और सभी का पर्सनल डिटेल फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है। सेकेंड स्टेप में दिया लॉगिन कीजिए यूजिंग क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल को यूज करते हुए आप लॉगिन कीजिए। सेकेंड थर्ड स्टेप में आपको सिलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिस एडवर्टाइजमेंट नंबर को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। देन पोस्ट विच यू आर अप्लाइंग, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल को फिल करते हुए। और फिफ्थ नंबर पे देखिए आपको पेमेंट करना होगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट वाले कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं, जैसे आपको अनरिजर्व OBC और EW से बिलोंग करते हैं, तो आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद चेक योर इंटर्ड डिटेल यूजिंग फाइनल प्रीव्यू ऑप्शन। तो आपको एक बार चेक करना होगा आप जो इंटर किए हुए डिटेल क्या वो क्लियर है। यदि आपका पूरी तरह से क्लियर है, राइट है, तो आप उसके बाद सबमिट कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइंग ऑल इंफॉर्मेशन। आपको सारा इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद सबमिट कीजिए। आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर टू कीप कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद ए यूनिक एप्लीकेशन सिक्वेंस नंबर हैंडी। टू द सेम कैन डाउनलोड फ्रॉम द साइट आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज कीप इट फॉर्म फ्यूचर रेफरेंस अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो फ्रेंड ये आपको फाइनल सबमिट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को एक हार्ड कॉपी रखना होगा अपने पास डाउनलोड करने के बाद। ये दिया था फ्रेंड। और देखिए अब लास्ट में आपको बताते हैं कि आपको कैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं, आपको गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए gailonline.com। जैसे आप इस पे टाइप करेंगे ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसा कि आप फ्रंट पेज देख रहे हैं। और जैसे आप यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे फ्रंट, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए करियर एट गेल, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए फ्रेंड जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक ये ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई टू गेल, अप्लाई टू गेल में क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो यदि आप इसके एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और देखिए आपको इसके इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश देखना है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और फॉर्म अप्लाई करना है तो फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। पोस्ट डेट दिया हुआ, स्टार्टिंग डेट 4 जनवरी, लास्ट डेट 2 फरवरी दिया है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड
यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिया है, यूजर नेम ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप फिल कीजिए। रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। और देखिए फ्रेंड, इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट या इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ पे क्लिक कीजिए। और ये देखिए आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिए, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फोरियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी हर दिन लाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।